I was part of a mass firing. क्रिप्टो तो आप भूल जाओ, मतलब वो मैं भूल गया हूँ, मैं भी खुद भूल गया हूँ, आप भी भूल ही जाओ, क्योंकि मैं उसको टच ही नहीं कर पा रहा हूँ। कोविड जैसे घटनाएं भी 10-15 साल में एक बार होते हैं, और 2020 वाला जो बुल रन है वो भी 10-12 साल में एक ही बार आया। यू आर किलिंग द कंपाउंडिंग। हाय, मेरा नाम अंकेश है और मैं एक फुल टाइम फ्रीलांसर हूँ। लास्ट 2 साल से मैं एक एडटेक कंपनी में काम कर रहा था, जहाँ अचानक से हमें अप्रैल में हमारी पूरी टीम को ले ऑफ कर दिया गया था। एंड दैट वाज द पॉइंट जब मैंने एक नया लैपटॉप खुद के लिए खरीदा और अपना फ्रीलांस का बिजनेस कम्प्लीटली चालू किया। सो नाउ आई डू दिस फुल टाइम विद अ टीम ऑफ ओवर 4 or 5 पीपल, एंड आई वॉन्ट अंशुमन टू हेल्प मी एक्सपैंड माई बिजनेस एंड ऑल्सो फिक्स माई फाइनेंस। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फिक्स योर फाइनेंस पावर्ड बाय क्रेड। आज है हम 28 साल के अंकेश के घर, जो एक एडटेक कंपनी में अप्रैल तक काम करते थे और आज के दिन वो एक फुल टाइम फ्रीलांसर है। हे बडी, हाउज इट गोइंग? हाय, अमेजिंग। अभी तक तो सब अच्छा ही चल रहा है। थोड़ा शॉक लगा था अप्रैल में। आई वॉज पार्ट ऑफ अ मास फायरिंग, तो उस समय कुछ उस पर्टिकुलर कंपनी ने 1000-1500 एम्प्लॉयज निकाले थे, तो मैं उसी का एक पार्ट था। हर एडटेक कंपनी में कई सारे टीचर्स अपने खुद के यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया प्रोफाइल्स भी अच्छे से हैंडल करते हैं। सिंस अंकेश वाज ऑलरेडी वर्किंग इन एन एडटेक कंपनी, हिज ट्रांजिशन टू अ फ्रीलांस वीडियो एडिटर वाज वेरी स्मूथ। सो इधर मैं देख सकता हूँ कि आपके कुछ 5 या 6 इनकम सोर्सेज है, अलग अलग क्लाइंट्स है, और टोटल आपका इसमें से कितना इनकम निकलता है, हर महीने आपका रेवेन्यू कितना होता है? इट वेरीज इन द रेंज ऑफ 75,000 to 1,20,000। अब ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि वो कंटेंट क्रिएटर कितने वीडियोस बना रहा है या कितना काम है। वो काम ज़्यादा है तो ज़्यादा पेमेंट आती है, वो काम कम है तो कम पेमेंट आती है। ठीक है, तो अभी एक्सपेंसेस की बात करते हैं। सबसे पहला तो खर्चा हो गया, आप इस घर में रह रहे हो, अच्छा सा 3 BHK घर है। व्हाट्स द रेंट एंड हाउ मेनी पीपल लिव इन दिस हाउस? तो अभी राइट नाउ इस घर का जो एक्सपेंस है ये 35,000 का है, बट 3 कमरे हैं, बट तीनों कमरों का साइज अलग है, तो हम 11, 12, 13 करते हैं। मेरा सबसे बड़ा वाला कमरा है तो मैं 13,000 पे करता हूँ। वाह। How do you travel? Do you have a bike? Do you have a car? I have a scooter. तो उसमें बस पेट्रोल का जो 1000 रुपए होता होगा मैक्सिमम, 1500 मैक्स, मतलब। Do you guys go out? खाना वाना, chicken lollipop, old monk. How do you spend your weekends? तो weekends पे तो ऐसा रहता है कि अब धीरे धीरे हम थोड़ा सा बाहर जाना एक्सप्लोर करना शुरू किए हैं, वरना कॉलेज डेज में ये सब में तो वही वो ओल्ड मॉन्क ही होता है कि घर पे चिकन तंदूरी मंगा लिए, बिरयानी मंगा ली, ओल्ड मॉन्क वैसे रहता था। बट देन नाउ मतलब एक महीने में 5,000 रुपए। सही है, 5,000 रुपए, वेरी डिसेंट। तो ये तो हो गए आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर बिजनेस एक्सपेंसेस। अभी आपके टीम में करंटली कितने लोग हैं? अभी करंटली 4 लोग हैं, जिनको मैं हर मंथ देता ही देता हूँ पैसे, बट काम करेंगे तो भाई देना ही पड़ेगा। करेक्ट है, मना नहीं कर रहा मैं। तो ओवरऑल सारे इंटर्न्स और सारे बिजनेस एक्सपेंसेस को मिला के महीने का कितना खर्चा होता है? 10,000 से लेके 20,000 के रेंज में रहता है। जब मैं कमा रहा होता हूँ 70, तो वो 10 के रेंज में रहता है। जब मैं कमा रहा होता हूँ 1,20,000, तो वो 20 के रेंज में रहता है। समझ गए। अभी मैं जस्ट आपके रूममेट से मिला और उसने बताया कि हाल ही में क्रेडिट कार्ड खर्च में खर्चा करने का, शॉपिंग करने का बहुत शौक आया है। हाँ, मतलब अमेज़न फ्लिपकार्ट के शेयर प्राइस आपने खुद बढ़ाया है। क्या क्या चीजें खरीदा है, पहले ये लिस्ट बताओ। अभी इस साल मैंने 3 टोटल परचेजेस जिसको मैं एक्सपेंसिव बोलूंगा वो किए थे। एक मैंने अभी टीवी लिया था घर के लिए, क्योंकि वो काफ़ी साल से कभी वो टीवी चेंज नहीं किए थे, तो मैं सोचा कि पेरेंट्स को भी थोड़ा लगना चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि हाँ। स्पीकर लिया था मैं, उसका तो एंड हो गया ऑलमोस्ट, बट वो मैंने लिया था एक 30,000 का एक पोर्टेबल स्पीकर छोटा सा लिया था, एंड लैपटॉप लिया था सबसे बड़ा एक्सपेंस। जनरली अगर कोई भी ऐसा चीज़ खरीदो ना जो ऐसा लगता है कि ये तो हर साल काम आने ही वाली है, तो वो चीज़ में डे वन से मैक्सड आउट चीज़ खरीदने की जरूरत नहीं है। अपना जो लेवल है उस लेवल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। बट मुझे लगता है एप्पल लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जैसा है। सटल डिफरेंसेस जैसे कि वो जो माउस भी मूव करता है ना, तो वो माउस एंड के तरफ स्लो होता है थोड़ा, और जब खींचते हो तो फास्ट होता है, मतलब भाई रुक ही नहीं रहा है, वीडियो खत्म हो गया है ऑलमोस्ट, बैटरियां खत्म हो रही है, एप्पल की बातें कर रहे हैं पिछले 10 मिनट से। 8% लोन फॉर 2 years, 2,00,000 रुपए का, विच फॉर विच यू आर पेइंग 10,000 रुपीज एवरी मंथ। यस। नेक्स्ट इज टीवी गिफ्ट फॉर पेरेंट्स, 60,000 रुपए का है, आप हर महीने 5,000 रुपए देते हो। करेक्ट। फिर आपने मम्मी जी को एक फोन भी दिया जी, 30,000 रुपए, 12 महीने का नो कॉस्ट EMI, 2,500 रुपए।
फिर आपने फूड बिल पेमेंट, ये सबसे इंटरेस्टिंग लगा मैं दिखा बताता हूँ रीजन। आपने 18,000 रुपए का फूड बिल पेमेंट है जिसके लिए आप हर महीने 3,000 रुपए दे रहे हो। फिर आप कपड़े का भी एक है क्लोथ, हर महीने आप 2,000 रुपए दे रहे हो फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। फिर आपने एक बोस का स्पीकर खरीदा 30,000 रुपए का जिसके लिए आप हर महीने 2,500 रुपए दे रहे हो। 1 hour later, अदर स्मॉल नो कॉस्ट EMI purchases 6 महीने के लिए 5,000 रुपीज एवरी goddamn month. पिछले 3 महीने में you have spent upwards of 2 lakhs. क्या आपने कभी सोचा है कि banks और lenders no cost EMI से पैसे कैसे कमाते हैं? मान लीजिए आप 6 months EMI पे 10,000 का फोन लेते हो। अब ये मोबाइल कंपनी लेंडर को 4-5% का डिस्काउंट देगी, सो द लेंडर विल पे 9,500 वाइल दे विल कलेक्ट 10,000 फ्रॉम यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नाउ बिकॉज ऑफ इजी फाइनेंसिंग ऑप्शंस, मोर एंड मोर पीपल विल बाय स्टफ, बिकॉज ऑफ विच एवरी मंथ व्हेन यू पे योर इंस्टॉलमेंट द लेंडर विल यूज दैट मनी एंड गिव आउट मोर लोन्स टू मोर पीपल। और ऐसे करते करते they will make an interest of up to 18-20% every year just by no cost EMI. अब lender का फायदा हो गया higher interest में, brand का फायदा हो गया higher sales से, लेकिन no cost EMI के चक्कर में कई बार customers overspend कर जाते हैं। और एक चीज guys, जब भी आप no cost EMI में कोई भी चीज खरीदते हो, interest तो निकल जाता है, लेकिन जो interest में GST लगता है, वो आपको ही pay करना पड़ता है। There will be months where you will only be making 60,000. ऐसा भी हो सकता है। अभी पिछले 4 महीने में 70,000 से 1,25,000 है, बट बहुत सारे ऐसे महीने आएंगे जब 60,000 होगा या फिर टचवुड 50,000 भी हो सकता है। तब अगर ऐसे 30,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड बिल देना पड़े और इंटर्न्स को भी 10,000 रुपए देना पड़े, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, एंड इन दैट केस यू माइट हैव टू रिडीम द मनी दैट यू पुट इनटू योर डीमैट अकाउंट। ये मेरा आदत खराब हुआ है बुल रन के वजह से, ठीक है। तो 2020 के बाद से बहुत टाइम तक, मतलब ऑलमोस्ट 21 का बीच में फेब में जो थोड़ा सा क्रैश आया था, उस समय तक वो कॉन्स्टेंटली धीरे 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 ही सही बट ऊपर बढ़ ही रहा था। इफ़ यू इन्वेस्ट इन बेसिक, मतलब गुड कंपनीज, तो मैं वहाँ से वो 50 या 60 निकाल लेता था। और कभी कभी वैसे करके जब मैं प्रॉफिट में दिखता है तो प्रॉफिट वाला पार्ट एटलीस्ट आप निकाल लो कि हाँ भाई अपने पास है, वैसे करके। कोविड जैसे घटनाएं भी 10-15 साल में एक बार होते हैं, करेक्ट। और 2020 वाला जो बुल रन है वो भी 10-12 साल में एक ही बार आया था, करेक्ट करेक्ट। सो इफ यू चेंज योर लाइफस्टाइल एंड इफ यू चेंज योर एक्सपेक्टेशन बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर ईयर, देन लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। जैसा आपने कहा कि वो सारी कंपनीज में उस समय धीरे धीरे ही सही बट ग्रोथ आ ही रहा था, तो मैंने सोचा कि वाई नॉट पार्क माई मनी देयर एंड आफ्टर 1 year TV मुझे महिंद्रा दे देगी। स्टॉक मार्केट का जो पैसा है, फॉर श्योर इट शुड चेंज योर लाइफस्टाइल, बट नॉट एट दिस माइक्रो लेवल कि मैं एक नया फोन खरीदूंगा, नया टीवी खरीदूंगा। मेक सेंस। द चेंज शुड हैपन व्हेन 1 lakh रुपए पहले साल में इन्वेस्ट किया, वो लेट्स से बहुत अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट किया और वो 20% देता है, तो 1,20,000 हुआ। जो अगले साल का 15% है ना, वो 1 lakh में नहीं लगना चाहिए, फिर वो 1,20,000 पे लगना चाहिए। और ऐसे करते करते एज यू कीप री इन्वेस्टिंग योर प्रॉफिट्स, 10-15 साल बाद या 10 साल बाद भी जब घर खरीदना होगा ना, उसका डाउन पेमेंट स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो देगा। दैट्स द एस्पिरेशन यू शुड हैव, लाइक बिगर लाइफस्टाइल चेंजेस, यू आर किलिंग द कंपाउंडिंग। तो करेंटली आपके हर महीने क्रेडिट कार्ड EMI अमाउंट है 30,000। प्लीज अब से इस 30 को 35 मत करना। अब आपके पास कितने क्रेडिट कार्ड्स है? क्रेडिट कार्ड तो बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स में ना अलग अलग हिडन चार्जेस होते हैं, सो द बेस्ट वे टू अवॉइड इट इज टू पे ऑल योर बिल्स वाया क्रेड। क्या बात कर रहे हो, क्रेड ही तो यूज करता हूँ मैं। देखा, ही इज एक्चुअली यूजिंग क्रेड टू पे ऑल हिज क्रेडिट कार्ड बिल्स। अगर आप भी क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, डू चेक आउट क्रेड, पे ऑल योर बिल्स यूजिंग द ऐप, यू विल गेट अमेजिंग रिवॉर्ड्स, अमेजिंग कैशबैक, एंड अगर आपके कोई भी हिडन चार्जेस होंगे वो भी क्रेड आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो अभी क्रेडिट कार्ड EMI चल रहा है, खर्चे हो रहे हैं, बिजनेस एक्सपेंसेस है, इन्वेस्ट करते हो कि नहीं? मैं पहले जितने करता था उतने ही करता हूँ, बस डिफरेंस, मतलब ऑलमोस्ट उतने ही करता हूँ, बस डिफरेंस ये कि पहले मैं कम कमाता था, उसमें से बहुत बड़ा पोर्शन इन्वेस्ट करता था, और अब मैं रेशियो वाइज देखता हूँ तो रेशियो वाइज वो पोर्शन देखने में छोटी लगती है, बट ऑन एन एवरेज मैं कोशिश करता हूँ कि मतलब मिनिमम 20,000 तो रहता ही है, कोशिश करता हूँ कि वो डाल ही दूँ, बट एग्जैक्टली मैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया मैं 20-20-20 डालता नहीं हूँ, तो जैसे पेमेंट्स आते हैं तो फ्रीलांस को उसको मैं बिना टच किए 1 lakh रुपए डाल दिया, फिर 1 lakh रुपए डाल दिया। तो अभी स्टॉक्स में कितना है, स्टॉक पोर्टफोलियो में कितना है? स्टॉक्स में लगभग
16-17 लाख थे, बट मैंने अभी जो आपने बोला कि जो मुझे निकालना पड़ता है, तो मैंने अभी एक स्कूटी खरीदा था 1.5 लाख का, आई भी नहीं है अभी, मतलब मैंने इसे पेमेंट की है, तो उसके लिए मैंने 1.5 लाख निकाल लिया था, तो अभी 15 point something होगा। क्रिप्टो में थोड़े से पैसे हैं जो मुझे थोड़ा सा भरोसा है, 2.7 लाख डाला था क्रिप्टो, तो आप भूल जाओ, मतलब वो मैं भूल गया हूँ, मैं भी खुद भूल गया हूँ, आप भी भूल ही जाओ, क्योंकि मैं उसको टच ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपने उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट किया? हाँ, मैंने एक कुछ लिक्विडिटी अब खत्म हो गया एंड यूजर्स के नॉट रिडीम देयर फंड्स, क्योंकि मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, तो मेरे जो पेमेंट्स आते हैं वो इट्स नॉट रेगुलर, बट जब आते हैं तो एक हैवी क्वांटिटी को मैं अपने उस इन्वेस्ट कर देता हूँ एक बार में, कि 1 लाख आया तो इन्वेस्ट कर दिया। तो क्या ये तरीका बेटर है, या इसको मैं डिवाइड करके हर महीने का 20 फिक्स कर दूँ, कि 20,000 इन्वेस्ट करूँ, तो शुड आई डू इट रेगुलरली और शुड आई डू इट एट टाइम्स, 3 महीने में 1 बार, 4 महीने में 1 बार? मुझे तो पर्सनली SIP बेटर लगता है, क्योंकि फिर मुझे कॉस्ट प्राइस वो सब देखने की जरूरत ही नहीं है, आई जस्ट हैव टू बेट ऑन द राइट कंपनीज एंड देन कीप इन्वेस्टिंग रेगुलरली। अंकेश को अपने कई क्लाइंट से 3-4 महीने में 1 बार पैसे मिलते हैं। निक मजूली, द राइटर ऑफ वन ऑफ माई फेवरेट ब्लॉग्स, एक्सप्लेन्स व्हाई लमसम इज अ बेटर अप्रोच फॉर अंकेश। The rationale is that while investing at one go or staggering your investments, both are random acts since you cannot time the market. In an upward trending asset class like the stock market, the lump sum investment will give your money more time to be at work. Market constantly upar niche hote rehta hai, but if you compare A to B, market upar hi ja raha hai. And that's why if you invest one part of your money in the 12th or the 14th month, chances are that you might have to pay higher price for the same stocks or your mutual funds. Do not confuse this with an SIP versus lump sum debate, because SIP ke case mein bhi har mahine hamare paas jitna maximum investable amount hai wo hum ek lump sum ke tarah hi dalte hain. Moving on to our next round, Fatavat Finance, what would you choose? A 100% chance of making 1 CR or a 77% chance of getting 3.5 CR? I would prefer the 100% chance. What was the first big purchase that you made for yourself after you started earning? Us samay to I bought a phone worth 40,000. Okay. If money was out of consideration, what would you do? मैं प्रॉब्ली कंटेंट क्रिएटर होता है, जो मैं अभी सबके पीछे हूँ, इतने सारे क्रिएटर के पीछे मैं काम करता हूँ, प्रॉब्ली मैं कंटेंट के फील्ड में घुस जाता और हाथ पैर मारता अगर पैसे की बात नहीं। ठीक है, और वो कंटेंट क्रिएटर का सपना जाने हाँ। देने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए होगा? हाउ मच मनी should the world give you so that you forget about the dream of becoming a creator? ये थोड़ा tough है, क्योंकि अगर मुझे 100 crore भी मिल रहे होते तो फिर उसको use करके मैं फिर थोड़ा content बनाना चाहता, तो it's a tough question, I don't know इसका क्या जवाब है। Okay, there are no right answers, that's the beauty of this round. Yes. One finance decision that you regret? मेरे पास अभी एक भी रुपए का mutual fund नहीं है, but I started investing in mutual funds, 100 rupee SIP in second year, जब मुझे पहली बार पता चला था इस बारे में, तो 100 100 100 करता था मैं, वो जमा होता गया था, बट मैंने फाइनली जब कॉलेज छोड़ा था तो उस समय वो एक इतना अमाउंट हो गया था कि 70-80,000 जब मैं कॉलेज से निकला था, तो मैंने वो पूरे बाहर निकाल लिया था। हाउ टू टर्न दिस फ्रीलांसिंग थिंग इनटू अ कंप्लीट बिजनेस, इट बेसिकली इज अ वेरी टाइनी बिजनेस, आई हैव पीपल वर्किंग विथ मी, आई हैव मल्टीपल क्लाइंट्स, बट देन इस चीज़ को प्रोफेशनली कैसे बिजनेस में कन्वर्ट किया जाए कि वो थोड़ा और लॉन्ग टर्म के लिए मतलब रहे। अगर अंकेश को ये बिजनेस लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करना है, देन ही हैज टू सॉल्व दीज 3 प्रॉब्लम्स। सबसे पहला प्रॉब्लम, लोगों को ये नहीं पता कि जो वीडियोस वो देख रहे हैं उसके बिहाइंड द सीन्स कौन एडिट कर रहा है, बिकॉज अंकेश इज करेंटली नॉट वर्किंग ऑन हिज ओन पर्सनल ब्रांड, सो राइट नाउ ही इज एट द मर्सी ऑफ दोस क्रिएटर्स। इफ द क्रिएटर्स आर नॉट रेलेवेंट आफ्टर अ ईयर और टू, देन इट माइट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू गेट द सेम अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। टू सॉल्व फॉर दिस, ही नीड्स टू स्टार्ट बिल्डिंग हिज ओन पर्सनल ब्रांड, सो दैट आगे जाके उसे काम ढूंढने में दिक्कत ना हो। नंबर 2, दिस मॉडल इज नॉट स्केलेबल। अंकेश जो वीडियो एडिट करता है उसमें 100 व्यूज आए या 2 मिलियन व्यूज आए, उसका पर वीडियो कॉस्ट सेम है। दिस इज नॉट स्केलेबल, क्योंकि अगर कोई महीने में वो बीमार हो जाए तो बिल्कुल भी काम नहीं कर पाएगा और उस पूरे महीने का रेवेन्यू हो जाएगा 0। दैट्स व्हाई ही नीड्स टू सेट अप अ मॉडल वेयर इन इफ ही हैज एडिटेड अ वीडियो इवन 6 मंथ्स बैक, एज द वीडियो कीप्स गेटिंग व्यूज, हिज रेवेन्यूज विल ऑल्सो कीप एडिंग अप। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट पार्ट इज अंकेश खुद एक एडिटर है और वो और एडिटर्स को हायर करके अपना काम आउटसोर्स करता है. एज सून एज दोस एडिटर्स डिस्कवर द प्राइस दैट द मार्केट इज विलिंग टू पे, वो सीधा क्लाइंट्स ढूंढने लगेंगे और इस मिडल मैन के साथ काम करना बंद कर देंगे. योर स्किल सेट इज बेटर, बट एक पॉइंट पे ऐसा हो सकता है कि अगर एक एडिटर 16-16 घंटे एडिट करे तो वो आपसे भी बेटर हो सकता है. Yes. और उसके बाद वो आपके साथ काम क्यों करेगा? So you have to figure out a way to tackle this. इस वीडियो में कई सारे लेसन्स हैं. नंबर वन, जॉब सिक्योरिटी इन टुडेज डे एंड एज इज एक्चुअली अ मिथ. हम में से कोई भी कभी भी रिप्लेस हो सकता है. सो प्लीज स्टार्ट बिल्डिंग योर सेविंग्स टू प्रिपेयर फॉर सच अ बैड डे. व्हेन योर इनकम सडनली इंक्रीजेस योर एक्सपेंसेस विल ऑल्सो कैच अप बिकॉज योर लाइफ स्टाइल इज इम्प्रूविंग एंड दैट शुड हैपन बिकॉज यू हैव अर्नड इट. लेकिन जो भी आपका रेज अमाउंट है उसका एटलीस्ट 50% आपको सेव या फिर इन्वेस्ट करना चाहिए. तो अगर आपकी इनकम सडनली 50,000 से बढ़ गई तो आपको 25,000 तो साइड में कर देना चाहिए. The third and the most important part is do not spend money that you have not earned yet. Because of all the no cost EMIs, Ankesh ne agle 6 mahine tak at least 30,000 rupaye bandh ke rakhe. Life bahut hi fragile hai, aapki income kabhi bhi kam ho sakti hai, aapke expenses kabhi bhi badh sakte hain. So please avoid doing that. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अभी के अभी लाइक करो. इफ यू आर न्यू हियर देन सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सीरीज द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन. अभी के अभी फॉर्म फिल कीजिए और हम आपके घर पहुंच जाएंगे. Goodbye. Subscribe right now.